मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम भोपाल आई थी। 3 दिन तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान जो तैयारियों की समीक्षा की है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने संतुष्टि जताई है और उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग की तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसमें कुछ निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। ख़ास तौर से धनबल का उपयोग जो चुनाव में होता है उसको रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और जो बाहुबल का उपयोग होता है उसको रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में काफी होगा, कहीं भी कोई फ्रीबी बटने की सूचना हो, कोई किसी को प्रलोभन देने और लेने की सूचना हो, कोई लीकर की सूचना हो, ड्रग्स की सूचना हो, मनी की सूचना हो, अगर इस पे देंगे और इसमें नाम भी एनोनिमस है, हम ये नाम भी एनोनिमस रखेंगे, नाम देने की भी जरूरत नहीं है। देन इफ वी कम टू अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, अगर किसी वोटर को अप्लाई करना है, अपना नाम जांच करना है, जैसे मैंने कहा पोलिंग स्टेशन के बारे में देखना है, चुनाव परिणाम देखने हैं, कोई अपना एपिक डाउनलोड करना है तो ई एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ योर मोबाइल नंबर इज एडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल विच इज कॉल्ड दिस वोटर हेल्पलाइन पोर्टल। पॉलिटिकल पार्टीज की हमसे ये अपेक्षा थी और रहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सो इस कोई भी सुविधा अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेना चाहती हैं, कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड लेना चाहते हैं फॉर द रैलीज और फॉर द पब्लिक मीटिंग, तो इस पोर्टल पे जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस गेट्स स्टैम्प्ड, टाइम स्टैम्प्ड बिकॉज यू अप्लाई इट ऑन द सिस्टम। देयरफॉर इसमें कोई भी डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू गिव the permission to the party or to the candidate which has applied first. Friends, another very important thing for the voters' information is KYC, which means know your candidate. तो कोई भी candidate का अगर criminal background है तो वो इसमें शामिल रहेगा। अगर उनके जो affidavits जिसमें उनके assets, liabilities हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। So this is a full disclosure टू दी वोटर। जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उस पर खास तौर से नज़र रहेगी। जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि लगभग 50% मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें। इसके साथ साथ जो युवा मतदाता हैं, ये नव मतदाता हैं जो बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उन लोगों के लिए खास तौर से चुनाव आयोग काफ़ी उत्साहित है। बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने एक सुविधा दी है कि वो घर पर ही अपना चुनाव मतदान कर सकते हैं, उसके लिए एक निर्धारित पत्र उनको भरना होगा और शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप की सुविधा है जिसमें मोबाइल से फ़ोटो भेजने पर उनकी टीम तत्काल वहां पहुंचेगी। इसके साथ साथ उम्मीदवार का KYC भी होगा। आपराधिक बैकग्राउंड होने पर उम्मीदवार को 3 बार अखबार में या कहीं प्रकाशित करना होगा और पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने उसे क्यों चुना। किसी भी सूरत में प्रलोभन या लालच से रोका जाएगा, हिंसा उनको बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं भी जो संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ सख्ती बरती जाएगी और इसके साथ साथ जो नकद का या कैश का मूवमेंट होता है उस पर भी नज़र रहेगी, खासतौर से चुनाव आयोग की। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें जो सरकारी प्रक्रिया के मतदान केंद्र होते हैं, मतलब जो जिसमें सरकारी कर्मचारी अब मतदान कराते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को पहली बार उसी जगह जहां वो मतदान करा रहे हैं वहीं वोट डालने का एक व्यवस्था दी गई है। कहीं ना कहीं ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था में बदलाव किया गया है और तमाम जो व्यवस्था हैं उसको लेकर भी खासा चौकन्ना है चुनाव आयोग। खास तौर से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसमें सभी बैंकर्स के साथ जो मीटिंग की गई है उसमें उनको बताया गया है कि अगर बल्क में कोई ट्रांजेक्शन होता है या संदिग्ध कोई ट्रांजेक्शन होता है उस पर भी नियम कायदे कानून से नज़र रखी जाए और जो पार्टी का अधिकार है अपना घोषणा पत्र बताने का, उसमें भी वोटर का भी अधिकार है कि वो अपने उस घोषणा पत्र के लिए समय भी बताए। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इस पर वो ज़्यादा नहीं कह सकते, मगर तकनीक की बात करें तो तकनीक के लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं, इसलिए अभी जो ई वोटिंग का मामला है वो अभी रुका हुआ है, मगर उसमें जिस तरह से चुनौतियों को सामने आ रही हैं उनको अगर सॉल्व किया जाता है तो फिर आगे इस पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है।
कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।